नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, आप है वो यहाँ पे देख सकते हैं। आज है वो 28/4/2022 को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में है वो क्या महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और आपका है वो कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है, वो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आदेश है, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य एवं विशेष शिक्षा के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मय संलग्नक उपलब्ध या प्राप्त करवाने बाबत। दोस्तों, ये आदेश है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा जो जिला स्तर पर अपने 2 गुना अभ्यर्थियों की डीवी हुई थी, तो उसमें जो सारे अभ्यर्थियों से संबंधित जो दस्तावेज है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज है वो बीकानेर निदेशालय भिजवाने हैं। इस संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित चेक लिस्ट पर मार्कर से उसका मेरिट क्रमांक, चयन वर्ग एवं आवंटित जिला आदेश दिनांक 27/4/2022 के अनुसार अंकित किया जाए। मतलब कि जो आपने 2 गुना अभ्यर्थियों की डीवी हुई थी, उसमें जो आपने फाइल जमा करवाई थी, जिसमें आपने जो सारे दस्तावेज लगाए थे, उस सारी फाइल पर है वो जो जिला स्तर पर डीवी से संबंधित जो भी भर्ती से संबंधित अधिकारी है, उनके द्वारा आपकी फाइल पर है वो मेरिट क्रमांक, किस कैटेगरी से आपका चयन हुआ है, कौन सा जिला आपको आवंटित हुआ है, वो सारी डिटेल भर करके आपके है वो बीकानेर निदेशालय 4 मई 2022 को भर्ती प्रभारी के साथ उक्त समस्त आवेदन पत्र मय संलग्नक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाए। 4 मई तक ये सारे डॉक्यूमेंट है वो बीकानेर निदेशालय भिजवाने हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों, आपका जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कैलेंडर है, जिसमें आपके आगे है वो किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, वो सारी जानकारी अभी है वो जारी नहीं हो पाई है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 मई 2022 को आपका है वो कैलेंडर जारी हो जाएगा, और 4 मई से 31 मई तक आपकी है वो काउंसलिंग चलने वाली है, ये जानकारी मिली है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस भर्ती प्रक्रिया में, तो पहले है वो सरकार ने काफ़ी जल्दबाजी की थी, मतलब कि आज है वो सुप्रीम कोर्ट में BSTC BEd विवाद की सुनवाई हुई थी, जिस कारण सरकार ने कल है वो जिला आवंटन कर दिए, और आज है वो कोर्ट में AG साहब के द्वारा ये बताया जाना था कि भर्ती प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, जल्द ही है वो नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो इस कारण है वो सरकार ने कोर्ट केस के कारण है वो जल्दबाजी की थी, लेकिन अब है वो इस प्रक्रिया में थोड़ी रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है, और 4 मई को आपका कैलेंडर जारी होगा और फिर आपकी काउंसलिंग होगी, और ज्वाइनिंग है वो अभी तक इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। संभव है कि ज्वाइनिंग से पहले है वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके संबंध में कुछ आदेश है वो जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ जारी हुई थी, कट ऑफ के बाद में जिला आवंटित करने में भी है वो काफ़ी टाइम लगा दिया, और उसके बाद में जिला आवंटन के साथ में नियुक्ति का जो सारी जो भर्ती का कैलेंडर है वो भी जारी नहीं किया। इस वजह से लगता है कि ये है वो इस भर्ती को काफ़ी लंबा खींचने का प्रयास है। तो दोस्तों, यही थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आपकी ये जो भर्ती से संबंधित कैलेंडर है 4 मई को जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।